अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड लवर बाय फरी। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है चिकन क्रीमी हांडी। बहुत ही मज़े की, बहुत ही क्रीमी हांडी है। तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने हाफ कप ऑयल डाला है और उसके बाद 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें क्यूब्स में कटी हुई चिकन डाल दूंगी। ये तकरीबन 1/2 किलो चिकन है जो कि मैंने क्यूब्स में काट ली है और ये बोनलेस है। इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना, जस्ट फ्राई करना है। 5 मिनट तक हमने इसको फ्राई करके वापस निकाल लेना है। ये देखें, ये इस तरह से फ्राई हो गई हैं, तो अब हम इसको वापस निकाल लेंगे। अब इस ऑयल में मैं तकरीबन 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दूंगी। दो तीन मिनट बाद मैं तकरीबन 1 बड़ी चॉप की हुई प्याज इसके अंदर डाल दूंगी। प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इसको हमने हल्का सा ब्राउन करना है। उसके बाद ये 3 बड़े टमाटर का पेस्ट जो मैंने बना के रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर दूंगी। वन टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसा धनिया। ये सारे मसाले में डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वन टीस्पून नमक या फिर हसबे ज़रूरत आप डाल सकते हैं। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून। ये सारे मसाले डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और तकरीबन इसे 10 मिनट तक कवर करके पकाना है ताकि ये मसाला भुन जाए। ये मसाला भुन चुका है। अब इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून मक्खन शामिल कर दूंगी।
अब मैं इसके अंदर फ्राई किए हुए चिकन वो भी शामिल कर दूंगी। दो कटी हुई बड़ी हरी मिर्चें डाल देनी है इसके अंदर और थोड़ी सी कटी हुई साबुत अदरक मैंने इसमें डाल दी है। अब हमने इसमें आधा कप पानी डाल के चिकन को गलने के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट तक कवर करके पकाना है। ये चिकन हमारी गल चुकी है, अब मैं इसमें एक कप फिटा हुआ दही शामिल कर दूंगी। इसके बाद इसमें थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ। दही डालने के बाद हमने इसे भून लेना है। धनिया डालने के बाद हमने इसमें हाफ लेमन जूस डाल दिया है। ये देखिए मज़ेदार सा चिकन हांडी क्रीमी तैयार होने वाला है। इसके बाद मेन इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जाएगा और वो है क्रीम। क्रीम इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून जाएगी। क्रीम डालने के बाद हमने इसमें हाफ कप पानी डाल के इसे हमने लो फ्लेम पे 10 मिनट तक पकने देना है। अब ये लास्ट में जो मसाले जाएंगे उसमें हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ टी स्पून गरम मसाला। ये सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। हाफ टी स्पून मैंने इसमें कसूरी मेथी भी डालनी है और ये सारी चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। मज़ेदार चिकन क्रीमी हांडी तैयार है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और मेरी रेसिपी को शेयर करें और कीप वॉचिंग माई चैनल। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।